बेगूसराय में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बीच बीते शनिवार को पुलिस के लिए राहत भरा दिन रहा, जहां पुलिस ने चर्चित मुखिया हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। वहीं दूसरी ओर एसटीएफ और मटिहानी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कुख्यात हथियार तस्कर सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 64 जिंदा कारतूस बरामद किया है। दरअसल बेगूसराय में 2 फरवरी को दिन दहाड़े हुए परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने 3 साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिन दहाड़े परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पूरे हत्याकांड की साजिश पूर्व मुखिया महफूज अंसारी ने रची थी। पहले हुए परना पंचायत मुखिया हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के नाम है, एक का नाम है अंजुम, दूसरे का नाम है फरहान, तीसरे का नाम है इश्तियाक। घटना का मुख्य साजिशकर्ता परना पंचायत का हारा हुआ पूर्व मुखिया महफूज अंसारी है। महफूज ने मुखिया चुनाव हारने के चलते अपने घर पे ही अन्य साथियों के साथ ये षड्यंत्र पूरी रची थी और इसने ये घटना करने के लिए हथियार मोबाइल इसी ने अरेंज करके अपने अन्य साथियों को दिया था। क्योंकि महफूज बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था, गांव में ये सब बात जानते थे कि राजनीतिक अदावत है इसकी जो मृतक है उसके साथ, तो घटना करने के बाद किसी को शक न हो तो घटना से ठीक पहले ये सारा इंतजाम करके ये राज्य के बाहर भाग गया था। घटना कारित करने में 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अपराधी थे और उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई है। इस घटना में गिरफ्तार अंजुम और इश्तियाक और मुख्य अभियुक्त महफूज, ये दोनों महफूज के ही करीबी आदमी हैं। इन दोनों ने ही मेन लाइनिंग का काम किया था। जो मृतक है उनकी पूरी मूवमेंट ये दोनों ट्रैक कर रहे थे। चूँकि अंजुम और इश्तियाक उसी गाँव के रहने वाले हैं, वो मृतक के भी जान पहचान के आदमी थे और जो पूर्व मुखिया है जिसने ये साजिश रची थी ये उसके भी खास आदमी थे, तो इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल पूर्व मुखिया ने किया। देखिए घटनास्थल के आसपास जब हम लोग ने घटनास्थल को विजिट किया था तो उसके आसपास चिमनी ईट भट्टे के आसपास करीब 20 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने तलाशे हैं और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनसे भी बातचीत की गई है और वहाँ से जो मोबाइल फ़ोन के टेक्निकल अनुसंधान में जो हम लोग को सबूत, काफ़ी इंपॉर्टेंट सबूत मिले हैं जो अन्य 4 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पे थे उनके बारे में, और एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में जो विशेष टीम हमने बनाई है वो लगातार उन लोगों पे भी छापेमारी कर रही है। मुख्य अभियुक्त महफूज के खिलाफ माननीय न्यायालय से वारंट और कुर्की प्राप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं और बहुत जल्दी इन सभी की गिरफ्तारी नहीं तो इनके घरों की कुर्की की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बेगूसराय में पटना एसटीएफ और मटिहानी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कुख्यात हथियार तस्कर सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 64 जिंदा कारतूस बरामद किया है। हथियार के खिलाफ अभियान में तेजी आ रही है। अब इस कड़ी में कल बेगूसराय पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। कल एक बड़े हथियार तस्कर के पास से 64 राउंड जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। एक मोटरसाइकिल भी मिली है इसके पास से। इस अपराधी का नाम है सत्यम कुमार और ये आज से करीब 1 साल पहले एक किडनैपिंग केस में भी उसमें वांटेड था, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में पता चला है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से कुछ लोगों से हथियार और गोलियाँ लेता था और बेगूसराय टाउन में सप्लाई करता था, जिससे कि आगे चल के कई सारी जो वारदातें हैं उसको अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन जब से ये सूचना हम लोग को मिली तो हमारी एक स्पेशल टीम एसटीपीओ सदर और मटियानी एसएचओ के साथ काम कर रही थी और इस अभियान में हमारे साथ बेगूसराय की जो एसटीएफ की यूनिट है उसका पूरा सहयोग मिल रहा था। तो काफ़ी अथक प्रयासों के बाद एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलते हुए इसकी गिरफ्तारी की है और इसके पास से रंगे हाथों 64 राउंड गोलियां मिली। बता दें कि बेगूसराय में लगातार हथियार तस्करी की सूचना पर पटना एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस लगातार कार्रवाई कर तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इसके बावजूद तस्करी का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।